खरगोन जिला पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। इस बार पुलिस ने आदिवासी अंचल से तकरीबन 29 लाख का गांजा बरामद करके दो आरोपियों को पकड़ा है। आपको बता दें कि पूर्व में भी खरगोन जिले में गांजे की खेती और खरीदी बिक्री परिवहन के खिलाफ अब तक अनगिनत कार्यवाही हो चुकी है। बावजूद उसके गांजा तस्करों के हौसले इतने बुलंद है कि कृषि की आड़ में गांजे की खेती कर रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान के निर्देशन में टीम गठित करके जिले के भगवानपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत दबिश देकर 29 लाख का गांजा जब्त करने की कार्यवाही की गई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके बताया कि मुहिम चलाकर लगातार गांजा तस्करों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही करेंगे। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। ये देखिए, वरिष्ठ स्तर से हम लोगों को समय समय पर जो अवैध अपने मादक पदार्थ हैं उसके संबंध में कार्रवाई के दिशा निर्देश प्राप्त होते रहते हैं। इसी के तारतम्य में हमारे द्वारा पूर्व में भी कार्रवाई की गई थी, आप लोगों के द्वारा भी और अन्य स्रोतों से भी हमें इसके संबंध में जानकारी मिली थी। अभी वर्तमान में हमें हाल में ही एक मुखबिर के द्वारा जो भगवानपुरा थाना क्षेत्र का एक गाँव है बड़िया श्री फालिया, वहाँ पे कुछ लोगों द्वारा गांजे की खेती करने की सूचना मिली। यह सूचना की पुलिस द्वारा तस्दीक की गई और वहाँ पे मौके पे जाकर जब पुलिस ने इसमें कार्रवाई की तो उनके द्वारा पाया गया कि वहाँ पर दो व्यक्ति थे जिनके द्वारा अपने खेतों में गांजे की अवैध रूप से खेती की जा रही थी। ये खेती इन पौधों की मुख्यतः जो कपास के पौधे होते हैं उनके बीच में लगाकर ये करते हैं। वहाँ पर जब पुलिस ने कार्रवाई की तो वहाँ मौके से उन्होंने जो दो आरोपी जिनके खेत थे, एक सतीराम बारेला और दूसरा मोतीराम बारेला, इन दोनों को पुलिस ने मौके पर गिरफ्तार किया और वहाँ पर पुलिस ने इनके पास से इनके खेतों से करीब दोनों के खेतों से मिला के 682 गांजे के पौधे वो जब्त किए और जिनका कुल वजन करीब 3 क्विंटल 61 किलो था और इसकी कुल बाज़ार मूल्य जो है वो करीब कुल मिलाकर 29 लाख रुपए के आसपास इसकी आती है। इसमें हमारी पूरी भगवानपुरा पुलिस की जो टीम है उसके द्वारा कार्रवाई की गई है और ये हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश में और जो हमारे SDO के चिकन गाँव में थे और हमारे एडिशनल SP साहब के सबका एक कम्बाइंड एफर्ट था और भविष्य में भी इस प्रकार की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। जहाँ भी कहीं ऐसी सूचना मिलती है तो इन पर इस प्रकार की कार्रवाई करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।